बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा जी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज से संघ का पावन वर्षायोग 2021। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड़गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। युगों युगों से प्राचीन तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र, दोनों ही भूमियां हमारे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ है अतिशय क्षेत्र बंधा जी, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ग्राम बमहोरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्षों से ये तीर्थ अपने अतिशयों से जनशासन की ज्योति निर्बाध रूप से प्रज्वलित कर रहा है। जब हम इतिहास देखेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधा जी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। प्रतिमा के ऊपर जो स्वस्ति लिखी है वह चैत्र सुदी 13 संवत 1199 ईस्वी की अंकित है। मूल नायक के दाएं और बाएं दो प्रतिमाएं खड़गासन में विराजमान हैं। एक प्रतिमा संभवनाथ एवं दूसरी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, जो संवत 1209 ईस्वी की है। मूलनायक वेदी नीचे भौंयरे में विराजमान है, जिसके चलते भगवान अजितनाथ जी को भौंयरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इतिहासकारों का कथन है कि मूर्ति भंजक दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब अनेक जैन एवं हिंदू तीर्थों की मूर्तियों को नष्ट करता हुआ जब बंधा जी पहुंचा और भगवान अजितनाथ की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया तो उसी क्षण वह अदृश्य जंजीरों से बंध गया। मूल नायक भगवान अजितनाथ के इस अतिशय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और पश्चातापूर्वक क्षमा याचना करके बंधन से मुक्ति पाई। तभी से इस क्षेत्र का नाम बंधाजी पड़ा। बंधाजी के दर्शनार्थ भक्तों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि भौंयरे वाले बाबा भगवान अजितनाथ के अतिशय ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि की प्रेरणा एवं कृपा दृष्टि से अतिशय क्षेत्र बंधाजी में विश्व का प्रथम रजत तीर्थ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए संपूर्ण जैन समाज तत्पर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन हो जाती हैं वह स्वयं अतिशयकारी हो जाती हैं। उन प्रतिमाओं से हमें अतिशय देखने को मिलते हैं और वास्तव में भगवान अजितनाथ के अनेकों अतिशय बंधाजी वासियों ने साक्षात देखे हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी चैतत्य चमत्कारी बाबा भगवान अजितनाथ के दर्शनार्थ बंधाजी अवश्य पधारें। इस पावन वसुंधरा पर वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ससंघ का पावन रजत तीर्थ वर्षायोग भक्तिभाव से संपन्न हो रहा है, जिसके चलते अनेकों भक्त यहाँ पावन अभिषेक शांति धारा एवं मुनि संघ की मंगलवाणी का लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं। विभक्ति वसुधा परिमादि देवम तुमसीय कलमस गणो मति नाय देवम सुदोक रव तवि नमामि माभिषेकम। बैठ जाओ। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं बं मम हं हं सं सं तं तं पं पं मं मं हं हं सं सं तं तं पं 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 झाम झाम झीम झीम द्रैं दीं दावा दावै नमोते भगवते श्रीमद्वजलिषे स्वाहा तिरोत्तम भवै नीरज शीरवाय रूप कैष्णवम जनाय जना सर्वसिद्धान। ओम रीम श्री विस्वादि वीरांतजलि सम स्वाहा। ओम रीम श्री विस्वादि वीरांतजलि सम स्वाहा। ओम रीम श्री विस्वादि वीरांतजलि सम स्वाहा। ओम रीम श्री विस्वादि वीरांतम जलि निष्णप्यामि स्वाहा। ओम रीम श्री विस्वादि वीरांतम जलि निष्णप्यामि स्वाहा। ओम रीम श्री विस्वादि वीरांतम जलि निष्णप्यामि स्वाहा। ओम रीम श्री विस्वादि वीरांत तम जलि निष्णप्यामि स्वाहा। सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो अरिहंताणो नमो सिद्धाणो नमो वायरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये शवशाहुरम चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केबली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्मा अरहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केबली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारी शरण पब्बज्जामि अरहंते शरण पब्बज्जामि सिद्धे शरण पब्बज्जामि साहु शरण पब्बज्जामि केबली पन्नतम धम्मम शरण पब्बज्जामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रे भो नमः सर्वेषां शांति धारा कर्तृणां दृष्टिणां श्रुतीणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमोते भगवते पिक्षिण दोष कल्मषाय दिव्य तेज मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विनाशाय सर्व रोगामित्तु विनाशाय सर्व पक्षदम विनाशाय सर्व छामडाम विनाशाय ओम राम रीम रूम रमरा अस्या उषा नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु ओम रूम छू फटके टिके टिक घाताय घाताय पर विघ्नाश सह स्कंडान कुरु परम दान छिन छिन परम दान भिन्न भिन्न छा छा बाहु फट सब शांति कुरु कुरु ओम रीम श्रीम क्लीम अरम अस्या उषा नाथ विद्याय इडमो वरियंताड़म हिरुविंग शांति सर्व शांति कुरु कुरु ओम आहरा श्री ह्यू आहु हुम साहा जगदा विनाशाय ह्रीम सर्व शांतिनाथाय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय अशोकतर सपनमंताय अशोकतर सपरात सोन प्राय हम रूपी असवत शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय सूर्य पुष्ट सपनमंताय सूर्य पुष्ट पुष्टि सपरात या सुवन पप्राय हम रूपी असवत शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय दिब्बधुनी सपरमंताय दिब्बधुनी सपर सुप्राय मम रूपी अस शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय चामरो जल सपरमंताय चामरो जल सपर सुप्राय रम रूपी अस शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सपरमंताय सिंहासन सपर सुप्राय घम रूपी अस्वांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सपरमंताय भामंडल सपर ध्याय सुवन पुप्राय झम रूपी अस्वांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय दुंदवी सपरमंताय दुंदवी सपर ध्याय सुवन पुप्राय रम रूपी अस्व शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सपमंताय छत्रत्रय सप्रातिहाय सुवन पप्राय खम रूपी अस्वांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम रीम श्री शांतिनाथाय पित्याश्चयताय बीजष्ट मनमंताय सर्विंग शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु तव भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगे पद विष्टव दारिदोद सौचक प्रचकवा प्रचंड पवनाद जलोद्भव साकनी डाकनी भूत पिशाच कृतिक त्रिविक व्यापार विद्रय तम विनाशनम भवतु सांधारा कर्ता श्री महेंद्र कुमार दिलीप कुमार संदीप कुमार दिव्यांश कुमार जैन बंदावाले हाल पृथ्वी पर श्री सुरेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार अनूप कुमार जैन टीकमर श्री मानक चंद भूपेश कुमार जैन बीना श्री चंद ऋषभ कुमार देवेंद्र कुमार आजा जैन टीकमण एवं वासिक सांधारा के पुण्याजक श्री लाला मदन लाल जी जैन गुड़गांव सपरवास शांति दो श्री विमल कुमार जैन श्रीमती पुष्पा जैन राय जैन श्वेता जैन भोपाल सपरवास शांति दो श्रीमान प्रेमचंद जैन साड़ा अध्यक्ष पृथ्वीपुर श्री ऋषभ कुमार गोयल श्रीमती ममता गोयल बांदरी वाले हाल सागर श्रीमती श्री प्रभा जी बरजत संगीत संगत संगीत जी बरजत्या रौनक जी बरजत सोनल रौनक जैन गुवाहाटी के सपरवास शांति हेतु श्री शांति रस्तु सिमस्तु जयोत्मस्तु नित्यमायग्रस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभेदरस्तु कुलगोदंशदास्तु श्री सद्धम बलाविद्रस्तु ओम ईं रणमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद भवतु संपूजिका नाम पालिका
नाम यतीन्द्र सामान्यतपोधनाना तिशर्ष राष्ट्रश पुरश राज्यः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा भानुकरापितापं मुक्ताफलापि करिजाले विवृद्धि शोभं प्रिथ्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वं धर्मस्नेही पापात्माओं आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा है सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही मार्ग में। सुन रहे हैं आप लोग सीना तो तानो पसीना तो बहाओ कहाँ सही मार्ग। यह संसारी प्राणी संसार मार्ग में तो सीना तान के चलता है और दिन रात पसीना बहा करके मेहनत करता है, लेकिन अगर उसका सतांश भी जो संसार में जितनी मेहनत करता है जितने पसीने बहाता है अगर उसका सतांश भी सही मार्ग में कर लेता तो आज संसार में वह होता नहीं। संसार के सर्वश्रेष्ठ ऊपर उठ करके लोक के उत्तुंग भाग पर विराजमान हो जाता, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि कोई बात नहीं, संसार मार्ग में तुमने पसीना बहाया है और जो पाप कमाया है थोड़ा सा उसमें से निकाल करके कितने परसेंट देना है। तो एक कथा आती है कि एक राजा सैर करने के लिए नगर से बाहर गया और आषाढ़ का महीना था और एक किसान खेत में हल चला रहा था और उसका पूरा का पूरा बदन शरीर पसीने से लथपथ था और राजा ने देखा कि ऐसी प्रचंड गर्मी में इतना पसीना बहा रहा है, चलें थोड़ा इससे कुछ जानकारी लें। और उससे पूछा क्यों भाई तुम इतना पसीना बहा रहे हो, इससे तुम्हें कुछ मिलता है? तो उसने कहा कि हाँ परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि ये मेरा खेत नहीं है, मैं दूसरे के खेत में हल चला रहा हूं और दिन भर की मजदूरी में मुझे चार आने मिल जाते हैं। इस समय की बात नहीं है, उस समय की बात है, लेकिन आज वर्तमान में सभी लोग चार आने ही कमाते हैं, इससे ज्यादा
नहीं कमाए, उसको अभी बताएंगे। राजा कहता है चार आने में तुम्हारा खर्च चल जाता है। हाँ, हमारा पूरा परिवार चार आने में व्यवस्थित हो जाता है। कैसे चलता है तुम्हारा खर्च? तू कहता है कि एक आना, उसके माध्यम से मैं कर्ज चुकाता हूं और एक आना कर्ज पे देता हूं और एक आना मैं स्वयं अपने और अपनी जो पत्नी है उसके ऊपर खर्च करता हूं। अब बचा एक आना, एक आना को मैं जल में डाल देता हूं। राजा ने कहा कि ये पहेलियां मत बुझाओ, इसका सही सही अर्थ क्या है ये बताओ। तो वह कहता है राजन, मेरे माता पिता हैं, मैं जो कुछ कमाता हूं उसमें से चार आने में एक आना यानी 25% किसका? माता पिता का। यानी माता पिता ने हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं उनका कर्ज मैं कैसे चुका सकता हूं? माता पिता का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। हां, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो ऐसी माता पिता से जन्म लेकर के और बड़े होकर के अगर वह संतान मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाती है, मुनि बन जाती है, आरिका बन जाती है, तो वह माता पिता का कर्ज चुका देते हैं। माता पिता भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि मैंने ऐसी संतान को जन्म दिया है जिस संतान की सारी दुनिया माता पिता बनने के लिए तैयार रहती है। ऐसी संतान अहो भाग, तो 25% तो उनके ऊपर। आप लोग भी अपना हिसाब किताब लगा लेना, 25% यानी एक आना मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूं यानी कर्ज पर देता हूं।